फ्रेंड्स, एमएस ओडा हेल्थ एंड फिटनेस में आप सभी का वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ग्रो योर बियर्ड, आप अपनी दाढ़ी को जो है किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा दाढ़ी का जो है अभी ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो टीवी एक्टर हो, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर हो, चाहे हॉलीवुड, सभी दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। आजकल हर लड़का हैंडसम दिखना चाहता है, जिसके लिए वो जिम जाकर अपनी बॉडी को बनाता है और घनी लंबी दाढ़ी रखने का शौक रखता है। दाढ़ी सिर्फ मर्द की खूबसूरती को ही नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी को भी निखारने में अहम रोल निभाती है। अगर साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखा जाए तो दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति को जो है पुरुष को परिपक्व माना जाता है, मींस मैच्योर माना जाता है। इससे फीमेल्स भी आपकी तरफ अट्रैक्टिव होती है, आकर्षित होती है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि कई सारे ऐसे पुरुष है, मेल है, जिनकी दाढ़ी जल्दी नहीं बढ़ पाती। ऐसे में वो तरह तरह के उपयोगों को अपनाते हैं। नंबर फर्स्ट पे जो है हार्मोन असंतुलन, मींस हार्मोन का अनबैलेंस होना, विटामिन बी की कमी, स्मोकिंग की वजह से दाढ़ी के बाल कम आते हैं। अगर आप भी जल्दी से दाढ़ी बढ़ाने के इच्छुक हैं तो इन होम रेमेडीज़ को यूज़ करके आप भी अपनी दाढ़ी को जो है आकर्षित बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे जो है स्किन केयर, त्वचा की देखभाल। अगर आप अपने चेहरे के बालों को तेज़ी से विकास करना चाहते हैं तो आपको अपनी स्किन की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी स्किन के डेड सेल एंड तेल को हटाने के लिए स्क्रैब का इस्तेमाल ज़रूर करें, साथ ही आप खूब सारा पानी भी ज़रूर पिए ताकि आपकी त्वचा में नमी बनी रहे, स्किन में नमी बनी रहे। नंबर दो पे है आंवले का तेल। दाढ़ी बढ़ाने के लिए आंवले के तेल को सबसे बेस्ट माना जाता है। आंवले के तेल से रोज़ अपनी दाढ़ी पर 20 मिनट तक मसाज करें और फिर उसे ठंडे पानी से धो लें। आंवले के तेल में सरसों की पत्तियां मिलाकर पेस्ट बनाकर दाढ़ी वाले हिस्से पर 20 मिनट तक लगाएं। इसे वीक में 2 से 3 बार करने में आप घनी दाढ़ी पा सकते हैं। नंबर थर्ड पे जो है गुड न्यूट्रिशन एंड गुड स्लीप, आहार और आराम। आप खाने में ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल करें जिसमें जिंक, विटामिन, आयरन और प्रोटीन की क्वांटिटी अधिक हो, ज़्यादा हो। साथ ही आपको बायोटिन सप्लीमेंट भी अवश्य लें, इसमें बाल मोटे होते हैं। खाने के साथ साथ अच्छा आराम भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप पर डे 8 घंटे नींद ज़रूर लें। नंबर चार पे जो है वो है दालचीनी और नींबू। दालचीनी के पाउडर में नींबू का रस मिलाकर उसका पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर ठंडे पानी से चेहरे को धोएं। नंबर फाइव पे जो है एक्सरसाइज या आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और हार्ट रेट बढ़ने लगती है। हार्ट रेट के बढ़ने से बालों का भी अच्छा विकास होता है। ब्लड सर्कुलेशन के अच्छे होने से प्रोटीन और विटामिन आसानी से आपके बालों तक पहुँच पाते हैं। नंबर सिक्स पे जो है टेंशन, तनाव। तनाव ना लें। अगर आप तनाव लेते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाती है और ये कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं। इसके साथ ही तनाव ब्लड वेसल्स को रोक देता है, जिससे बालों की जड़ों को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व है, वो नहीं मिल पाते। इसलिए आपका तनाव लेना आपकी दाढ़ी को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक हानिकारक हो सकता है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें और कुछ समय रोज़ ध्यान करें, मेडिटेशन करें। नंबर सेवन पे है जो लास्ट है वो ये है, धीरे रखें और बालों को बढ़ने दें। शुरुआत में दाढ़ी के बाल खराब से दिखेंगे, जैसे ही बाल बड़े होना शुरू होंगे तो उनके बीच दिखने वाला खाली स्थान अपने आप छिप जाएगा। इसलिए धीरे रखें और अपने दाढ़ी को बढ़ने दें, विकसित होने दें। आज जो हमने बात की किस तरीके से आप जो है अपनी बियर्ड के बालों को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, आप अपनी दाढ़ी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आगे भी इस तरीके के हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल MS ओडा हेल्थ एंड फिटनेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।